हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर फिर से एक बार जनकपुरी C4E मार्केट का। हाँ जी, ये मार्केट लगती है C4E जनकपुरी वेस्ट में, जो कि लगती है सिर्फ सैटरडे को। शाम को आप 4 बजे से 9 बजे तक यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी क्योंकि मुझे था कि यहाँ पर आपके लिए वीडियो कवर कर सकूँ। अंधेरा हो जाता तो इतना कुछ दिखता नहीं मुझे, जितना मैं कवर कर पाई आपके लिए मैंने किया है। बाकी पूरी मार्केट बहुत बड़ी है, अगर आप जाइएगा तो पूरा टाइम लेके जाइएगा। यहाँ पे इस मार्केट में आपको सारे आइटम मिल जाएंगे, होम डेकोर का सामान मिल जाएगा। आपको अगर कपड़े चाहिए, सूट चाहिए और आप दूर नहीं जाना चाहते, जैसे कि जो लोग वेस्ट दिल्ली में रहते हैं वो लोग प्रेफर नहीं करते इंद्रप्रस्थ जाना, सरोजनी नगर जाना बहुत दूर हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न ड्रेस भी मिल जाएंगी, प्लस सूट भी मिल जाएंगे, बच्चों के कपड़े भी मिल जाएंगे, होम डेकोर का सामान भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस मार्केट को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मार्केट में एंटर करते ही मेरी सबसे पहले नज़र पड़ी किचन आइटम्स पे। जी हाँ, ये स्पून्स आपको दिख रहे थे, ये जो इसमें छोटे छोटे वाले हैं ये थे 50 रुपीज़ के, और जो थोड़े बड़े साइज़ में थे भैया ने मुझे पता ये 100 रुपीज़ के थे। इनके पास काफ़ी कुछ आइटम मिल रहा था, लोकेशन मैंने आपको दिखाई दी है, ये यहीं पर अपनी दुकान लगाते हैं। तब इनके पास ये कर्ची वगैरह भी मिल रही थी, जैसी आपको चाहिए, छोटे साइज़ में चाहिए, बड़े साइज़ में चाहिए, इस मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इनकी शॉप पे तो काफ़ी वैरायटी थी, ये छोटे छोटे कप सेक सकते हैं, मग सेक सकते हैं, यहाँ पे सिपर कप मिल जाएंगे आपको अलग अलग टाइप के, प्लास्टिक वाले जो पीछे दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे ये मिट्टी चीनी के, ये जो आपको अभी मैं मग दिखाऊंगी वो भी था अवेलेबल। देन ये यहाँ पे सिपर थे, कई लोगों को प्लास्टिक के सिपर से पीना अच्छा नहीं लगता है तो वो अलग से ले सकते हैं, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते भी हैं। अगर बच्चों को दूध पिलाना है, खुद पीना है, जूस पीना है, डेली यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं चॉपिंग बोर्ड भी था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनके पास स्टफ वगैरह काफ़ी अच्छा था। देन ये छोटे छोटे ग्लासेस थे, ये राउंड टेबल थी इनके पास, पीछे ये सिप्पी कप थे, टुडे इज़ अ फ्रूट डे भी लिखा हुआ है उसके ऊपर। देन यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आइटम दिखाएंगे, यहाँ पर ये डायरी भी थी छोटी सी, यहाँ पर इनके पास ये मग भी थे, ये काफ़ी देर के लिए उन्होंने मुझे बताया कि 12 घंटे तक इसमें पानी गर्म रहता है। जी हाँ, अगर आप थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। इस स्टाइल में भी मिल जाएगा आपको, अब मैं आपको दूसरा स्टाइल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे इनके पास दूसरे स्टाइल के भी थे कप वगैरह, जो आप अपने ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं, घर में भी ये देखे इस स्टाइल में आप अपना यूज़ कर सकते हैं। ये बताया उन्होंने मुझे 300 रुपीज़ का, जो कि गरम रहता है 12 घंटे के लिए। हाँ जी, ये 12 घंटे गरम करेगा। बाकी आप लेने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, बाकी भैया जी ने मुझे बताया तो अगर आप जाएंगे इनकी शॉप पे तो काफ़ी वैरायटी है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। देन यहाँ पे ये जो सेट मिल रहे थे प्यारे प्यारे, ये मिल रहे थे 100 रुपीज़ के। हाँ जी, ये सारे इनकी शॉप पे जो भी माल रखा हुआ था सारा 100 रुपीज़ का था। डिज़ाइन काफ़ी अलग अलग थे, मैंने जितना कवर कर सकती थी मैं आप लोगों के लिए किया है। बाकी ये हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि उसको कैसा पसंद है, उसकी ड्रेस के साथ कैसा जा रहा है तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने लिए लेता है। बाकी इयररिंग्स भी इनके साथ थे, सब सारे सेट के साथ इयररिंग्स भी आपको मिलेंगे, मैचिंग इयररिंग होंगे, छोटे से छोटे सेट भी मिल जाएंगे, बड़े से बड़े भी मिल जाएंगे, जैसे आपको पसंद है वैसे मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको मिल रहे थे हेयर एक्सेसरीज। हाँ जी, ये बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं, कोई भी हेयर स्टाइल बनाइए बहुत अच्छे लगते हैं, अगर उसमें आप ये लगाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। ये भी 100 रुपीज़ के थे, इनके पास सब कुछ ही 100 रुपीज़ का था, मुझे तो सब कुछ ही पसंद आया। लाइट कलर वैसे भी आजकल फैशन में चल रहा है। देन यहाँ पे चैन वगैरह जो भी इन्होंने मुझे बोला 100 रुपीज़ का था, ये भी प्यारे प्यारे 100 रुपीज़ के थे। अगर आपको जैसे कई चैन मिलती है इसमें वाइट कलर की मिलती है तो कहीं पर ग्रीन मिलती है, बस इनके पास वाइट थी और ये भी काफ़ी रॉयल रुक देती हैं, 100 रुपीज़ के थे ये सारे ही इनके पास। अब मार्केट जाएँ और वहाँ पे बच्चों के कपड़े ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे मिल रही थी प्यारी प्यारी सी फ्रॉक, जो कि थी सिर्फ 100 रुपीज़ की। हाँ जी, ये सारी जो फ्रॉक्स आपको दिख रही है 100 रुपीज़ की थी। इनके पास जो भी आपको टॉप वगैरह बच्चों के कपड़े और मिल जाएंगे, ये सब 100 रुपीज़ का था। कितनी प्यारी प्यारी टी शर्ट मिल रही है 100 रुपीज़ में, तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको, ये कहीं पार्टी वेयर, कहीं घूमने अगर बच्चे को जाना है तो वो कैरी कर सकते हैं। देन फ्रॉक्स तो काफ़ी बढ़िया थी, अलग अलग कलर्स में थी, समर्स के हिसाब से आप अपना
साइज़, बच्चे का साइज़ देख के आप ले सकते हैं। टी शर्ट्स भी अच्छी मिल रही थी और फ्रॉक तो अच्छी थी ही उनके पास। बाकी कोई भी पीस लेने से पहले एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, देखिए कहीं से भी नहीं लग रही कि 100 रुपीज़ की होंगी। देन यहाँ पर मिल रहे थे आपको डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए ये जो प्यारे प्यारे से सेट, ये भी थे 80 रुपीज़ के। हाँ जी, ये सब थे 80 रुपीज़ में। आप ये वाइट वाला लें चाहे दूसरे साइड का लें तो दोनों आपको 80 रुपीज़ में मिल जाएंगे अलग अलग हिसाब से। देन यहाँ पे ये छोटे छोटे से स्टफ़ वगैरह पड़े थे, यहाँ पर ही साइड में ये रखे हुए थे जो कि हम अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने अलमारियों के अंदर, अपने किचन पे लगा सकते हैं। ये काफ़ी प्यारे लगते हैं, आप इसे किचन में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये थे 40 रुपये मीटर। उसके बाद यहाँ पे मिल रहे थे किचन के आइटम्स, छोटे से लेकर बड़े से बड़े से लेकर सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे। छोटे छोटे डब्बे थे, बड़े बड़े डब्बे थे, लाइटर था, चाकू था, आपके बाथरूम में यूज़ होने वाला सामान, किचन में यूज़ होने वाला सामान सब था। 20 रुपये से 500 तक की इनकी रेंज बताई भैया ने मुझे। बाकी ऐसी और ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।